नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल। सच जो आपको पता होना चाहिए। मैं हूँ निशा। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। इसको मैंने ब्लैकआउट किया है बिकॉज जस्ट टू वांट टू शो क्या इज्जत है हमारे समाज में औरत की। इन शॉर्ट, अगर आप कहना चाहें तलाकशुदा लड़की और समाज, एक तलाकशुदा लड़की ही क्यों ज़िम्मेदार होती है अपनी शादी की नाप कामयाबी की? लड़का क्यों नहीं? क्योंकि लड़की है वो। शादी ख़राब हुई होगी तो वजह वही होगी, क्योंकि उसको शादी का रिश्ता ढंग से चलाना नहीं आया। कमी ज़रूर लड़की में ही रही होगी। लड़का तो ख़राब हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा समाज यही कहता है। समाज लड़की की कम और लड़कों की ज़्यादा सुनता है, क्योंकि हमारे समाज में इज़्ज़त लड़कियों की नहीं, लड़कों की होती है। लोगों का क्या नज़रिया होता है उसको लेकर और उस लड़के को लेकर। बेचारी लड़की है और लड़का साफ़ सुथरा, सीधा साधा, भोला भाला, जिसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं है। वो तो लड़की को शादी करके अपने घर लेकर आया है। भले ही लड़की को उसने 4 थप्पड़ मारे हों, भले ही लड़की को सुबह शाम गालियां पड़ी हों, भले ही लड़की ने सारे काम कर करके घर के 2 वक्त की रोटी खाने का शायद समय ना निकाल पाई हो, भले ही लड़की को निकालने में पूरे घर ने मिलके प्लानिंग करी हो, भले ही लड़की दूसरे घर की आई हो, भले ही लड़की खूब सारा दहेज लाई हो, पर फिर भी छोड़ दी जाती है। क्यों? उसको खुद नहीं पता। कोशिश तो उसने पूरी करी, कैसे भी करके अपने घर, अपने ससुराल में निभाए, अपना घर बसाए, लेकिन जब उसे धक्के मार के निकाल दिया जाता है तो उसे खुद ही नहीं पता होता कि उसे घर से निकाला क्यों गया है। क्या दहेज थी वजह इसकी? क्या उसने कुछ गलती कर दी? अच्छा, कहीं कल ससुर जी को पानी देने में लेट हो गई इसलिए तो नहीं निकाल दिया? या फिर पति को किसी बात के लिए टोक दिया इसीलिए तो गुस्सा नहीं आ गया? या फिर सास के पैर दबाना भूल गई होगी? अनमने अस्क से मन से यही सोचती हुई वो लड़की, बेचारी लड़की, अब उस बेचारी लड़की पे नाम लगा दूसरा, तलाकशुदा का, क्योंकि उसका केस चल रहा है भाई कोर्ट में। खैर, अब बात आती है क्या सोचते हैं लोग उसके बारे में। ऑब्वियसली लोग यही सोचेंगे, लड़की है, ख़राब ही होगी। लड़का और उस लड़के की फैमिली में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि लड़के वाले बेचारे हैं, लड़की ज़रूर तेज़ है, लड़की पक्का ख़राब ही रही होगी। आजकल लड़कियों का पता नहीं चलता ना। अगर वो किसी से बात करे तो बदकिरदार है, अगर किसी को आंख उठाकर देखे तो अक्स ढूंढते हैं उसकी आंखों में लोग किसी आदमी का, अगर ऑफिस में जॉब करे तो थाली में परोसा गया खाना है वो औरत, तलाकशुदा जो है। और अगर किसी की गंदी नज़र को अपने ऊपर उठने से रोके तो लूज़ कैरेक्टर और तलाकशुदा है वो औरत। बेचारी अबला है जिसको लोग, मतलब आदमी की नज़र में एक मर्द की ज़रूरत है। भाई उसकी भी तो नीड सुनगी, उसकी भी तो नीड है, ज़रूरत है, आखिर खुश रहने का हक उसको भी तो है। चलें मैडम, एक कप कॉफ़ी पियेंगे आप? हम आपका दुख दर्द समझते हैं, आप बताइए शाम को कितने बजे कॉफ़ी के लिए मिलेंगे। ये एक बहुत ही महान इंसान है जो उस लड़की की मदद करना चाहता है। आप समझ सकते होंगे किस तरीके से। ये मेरा नंबर है मैम, आप ये नंबर रख लीजिएगा, जब ज़रूरत हो तो बात कर लीजिएगा। अब यहाँ यह आदमी है शादीशुदा और ये दिखा रहा है अपनापन। बेचारी लड़की समझ तो गई है पर कुछ कह नहीं सकती। जानते हैं वजह क्या है इसकी? क्योंकि ये बॉस है उसका, जो उसके ऊपर हद से ज़्यादा हक जमा रहा है और उसकी बेचारगी के लिए उसका साथ देना चाहता है, क्योंकि एक तलाकशुदा औरत है वो, लेबल है उसके ऊपर, कैरेक्टर अब उसका हो चुका है यही, क्योंकि तलाकशुदा औरत के बाद
उसका कैरेक्टर डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली उसके बाद वो एक खुला हुआ सामान हो जाती है, जैसे सेल पे लगा हुआ, जिसको देखना हर कोई चाहता है, क्योंकि अब औकात हो जाती है उसकी, उस सामान को छूने की या फिर उसको देखने की। क्या आप जानते हैं इस मर्दानगी से भरे सामान क्या आप जानते हैं इस मर्दानगी से भरे समाज में औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही होती है? जी हाँ, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये होता है तब जब वो बॉस अपने कलीग का ज़्यादा ध्यान रखने लगता है, जिसमें कि वो कलीग जो बेचारी तलाकशुदा है वो दूर भागना चाहती है, उसकी मजबूरियाँ उसको जॉब छोड़ने नहीं देना चाहती है, और बॉस है कि बेचारगी का बहाना बना के करीब आना चाहता है। पर यहाँ वो औरत जो कि उसकी बीवी है, वो ये समझना नहीं चाहती है कि उसका हस्बैंड ख़राब है या वो लड़की, क्योंकि उसकी नज़र में वो तलाकशुदा औरत है जो ख़राब है। तो वो औरत क्या करती है, हस्बैंड पर अपने शक करेगी, हस्बैंड पे शक करेगी, तब भी गालियाँ उस औरत को ही